This is an ABP Life podcast. ये कहानी है पुरानी, लेकिन आज सुनेंगे मेरी जुबानी। एक था राजा, एक थी रानी। राजा और रानी के पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की। सर्दियों के दिन थे और रानी हर रोज की ही तरह शाम को विंडो के पास बैठकर स्नो को देख रही थी और देखते देखते बस यही सोच रही थी कि काश मेरी स्नो जैसी एक बेटी होती। जल्द ही राजा और रानी को एक स्नो जैसी सॉफ्ट बेबी गर्ल पैदा हुई। उसका नाम उन्होंने रखा स्नो रानी। पर स्नो रानी के आते ही नहीं रही उसकी प्यारी माँ। राजा को करनी पड़ी जल्दी जल्दी शादी दूसरी बारी। दूसरी रानी थी तो बहुत सुंदर, पर न जाने क्यों जलती थी स्नो रानी से हर पल। नई रानी के पास था एक जादुई मिरर, जिससे वो बातें करती थी हर रोज हर पल। मिरर मिरर ऑन द वॉल, सबसे सुंदर कौन है बोल। आप है मेरी रानी, मिरर से आवाज आई। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और गुजरे साल, देखते ही देखते स्नो रानी हो गई जवान। हमेशा की ही तरह नई रानी ने अपने मिरर से फिर पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, सबसे सुंदर कौन है बोल। मिरर ने थोड़ा डरते हुए कहा, नहीं रानी, इस राज्य की स्नो रानी। ये सुनते ही नई रानी हो गई बड़ी परेशान। अगली ही सुबह उसने एक गार्ड को बुलाया और चुपके से कान में उसके कुछ फुसफुसाया। नई रानी ने दबी आवाज में कहा, स्नो रानी को घने जंगल में जाकर मार डालो। गार्ड था बड़ा दयालु, वो स्नो रानी को जंगल में तो ले गया लेकिन उसे मार नहीं पाया। गार्ड ने कहा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, नई रानी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और वापस राजमहल कभी मत आइएगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। स्नो रानी मरती क्या ना करती, जंगल में फिरते फिरते होने वाली थी निढाल। तभी उसे दिखा एक कॉटेज जो था थोड़ा पास। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से ना आई कोई आवाज। जैसे ही घर के अंदर घुसी, वहां सजी थी टेबल कुछ खास। उस टेबल पे प्लेट्स थी सात, एक बोल में बेसन के लड्डू और नींबू पानी था साथ। लड्डू खाकर और नींबू पानी पीकर वो सो गई वहीं पास। थोड़ी ही देर बाद सात बोने वहां आए। वो कॉटेज था उनका घर, जिसमें एंटर कर गई थी हमारी स्नो रानी। उन सात बोनों ने जब नजर घुमाई, एक बेड पे सो रही थी हमारी स्नो रानी। उन्होंने गुस्से से उसे उठाया और सुनी उस बेचारी की कहानी। स्नो रानी की कहानी सुनकर बोनों ने उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे दी। उसके बदले में बस स्नो रानी को उन बोनों के लिए खाना बनाना था और घर को रखना था साफ। हमारी प्यारी स्नो रानी और वो सात बोने बड़े मजे से दिन गुजारने लगे। पर वो खुशी थोड़े ही दिन की थी मेहमान, जब नई रानी ने फिर से अपने मिरर से पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, सबसे सुंदर कौन है बोल। बड़ी देर बाद मिरर ने जवाब दिया, स्नो रानी। वो पूरा बोल ही नहीं पाया, उससे पहले ही नई रानी ने गुस्से में अपना मिरर ही फोड़ डाला। नई रानी चिली में एक विच थी। उसने अपना भेष बदलकर बूढ़ी अम्मा बनकर पहुंच गई बोनों के दरवाजे पर और उसने दरवाजा खटखटाया। सेब ले लो, मीठे मीठे सेब ले लो। बोने घर पर नहीं थे, स्नो रानी घर पर अकेली थी। उसने दरवाजा बिना खोले ही चुपके से कहा,
हमें सेब नहीं चाहिए। नई रानी ने फिर से बहाना बनाकर बोला, ठीक है बेटा, मत लो मेरे सेब, जरा पानी पिला दो, मैं कब से प्यासी घूम रही हूँ तुम्हारे प्राणों की मेरा मतलब बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला सकती हो क्या? स्नो रानी ने डरते डरते दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा बनी नई रानी ने उससे अपनी बातों में फुसला कर उसे पॉइजन वाला एप्पल खाने को दे दिया। और जैसे ही स्नो रानी ने एप्पल की एक बाइट ली, वैसे ही वो वहीं गिर पड़ी और उसकी सांसें चलना बंद हो गई। नई रानी ये देख खुश होकर वहां से चली गई। जैसे ही बोने घर पहुंचे, स्नो रानी की ऐसी हालत देखकर वो बहुत घबरा गए और दुखी होकर रोने लगे। वो स्नो रानी को उठाकर घर से बाहर ले आए और उसके अंतिम सफर की तैयारी करने लगे। तभी वहां से गुजरा एक सुंदर नौजवान जो फिर रहा था दरबदर ढूंढने अपना प्यार। उसने जब स्नो रानी को देखा, उसे उसी पल हो गया उससे प्यार। जब बोनों ने सारी बात बताई, सब सुनकर राजकुमार भी हो गया परेशान। तभी न जाने राजकुमार के मन में क्या आया और उसने स्नो रानी को उठाकर गले लगाया और देखो हो गया चमत्कार। स्नो रानी के मुंह से निकला वो जहरीला बाइट और ये देखो स्नो रानी हो गई अलाइव। राजकुमार ने स्नो रानी से शादी की और बोने भी हो लिए उनके साथ। तो कैसी लगी कहानी बताइएगा जरूर और अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।